पहले जब हम पढ़ा करते थे ना, कई बच्चे कुंजी लाते थे, हम लोग उसको अच्छा नहीं समझा करते थे, बुरा ना मनाना, आजकल कोई और नाम हो गया होगा, यानी एक किताब के क्वेश्चनों की कुंजी, उसे कुंजी बोलते थे हिंदी में, कि वो जितने क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन होते थे, उसके नीचे आंसर होते थे, बजाय किताब पढ़ने के वो पढ़ लो, इस चैप्टर के ये क्वेश्चन बनते हैं, इसके ये बनते हैं, उसको कुंजी कहते थे। तो जो वो लाता था तो बड़ा अजीब लगता था यार ये, और ट्यूशन वाले को तो बुरा ना मनाना, बच्चों पढ़ो आप ट्यूशन, हम तो ट्यूटर कह के थोड़ा सा मजाक उड़ाया करते थे कि यार ये तो कुछ बात नहीं बनी, अपना माइंड तो यूज करता ही नहीं। और टीचर भी तब, आज भी अच्छे हैं, हम नहीं कहते कि बुरे, बहुत ही बढ़िया, इतनी इतनी मेरिट आना गजब है, पर हमारे टाइम की हम बात करते हैं कि बच्चों को ये होता था कि कोई भी सवाल अगर नहीं आता तो पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल, ये नहीं कि इतना का लेक्चर तैयार करके आए हैं, ये हम अपने टाइम की बात कर रहे हैं, लगभग 80 की कर लो आप या 73 की बात कर लो, तो सवाल पूछा करते थे। एक साइकिलिंग ऑर्डर होता है नॉन मेडिकल में, मैथमेटिक्स में साइकिलिंग ऑर्डर क्वेश्चन होते हैं, जो मैथ के होंगे बच्चे वो जानते हैं। तो एक ऐसा सवाल था हमारे बुक में, आपको अपनी बात सुनाते हैं, ये आप पढ़ने की बात आ गई, पहले गेम की बात थी। सो बेपरवाजी ने जो ख्याल दिया, जैसे हैं हम उन्होंने बनाए, तो वो सवाल हमने करके देखा, वो साइकिलिंग ऑर्डर में नहीं आ रहा था। तो बड़ा अजीब लगा कि यार ये साइकिलिंग ऑर्डर में नहीं आ रहा। तो टीचर पढ़ाने आए मैथ वाले, उनको बोला सर इस चैप्टर का ये सवाल साइकिलिंग ऑर्डर में फिट नहीं बैठ रहा। कहते ऐसे कैसे, अभी करता हूँ। अब हम बच्चे थे उस टाइम, हमारे ख्याल से 10 नॉन मेडिकल में, तो उन्होंने शुरू कर दिया पढ़ाना, और जैसे लिखना शुरू किया बोर्ड पे, लिखते गए नीचे कुछ और ही हो गया, वो साइकिलिंग ऑर्डर में नहीं आया। कहता पूरा ध्यान दिया, काफ़ी देर मत्था मारता रहा। कहता मैं कल को बताऊंगा। कहता आज ना मेरा थोड़ा मूड थोड़ा कहीं और है। वो गए बेचारे, वो बाई चांस हमारे पास ही रहते थे घर में, कमरा एक था अलग से, तो परिवार समेत रहते थे। तो वो करते रहे, जब अगले दिन सुबह स्कूल जाने लगे इकट्ठे ही जाते थे लगभग। कहता यार फिर से मत पूछ लेना। मैंने कहा क्यों? कहता नहीं आया मुझे। मैंने कहा जी फिर क्या हुआ? कहते यार सारी रात लगा रहा मैं, क्या एक बच्चे ने सवाल पूछा, ये क्यों नहीं आ रहा साइकिलिंग ऑर्डर में। हमने कहा जी ठीक है, फिर आपके बस की बात नहीं तो प्रिंसिपल के पास चले गए, बाई चांस वो भी नॉन मेडिकल के ही थे। तो जब उनके पास गए तो, अब हमें नाम थोड़ा सा मित्तल शायद उनके पीछे था कुछ, तो उनको बोला कि जी ये सवाल हमारा साइकिलिंग ऑर्डर में फिट नहीं बैठ रहा। कहते ले बात ही कुछ नहीं, अभी करता हूँ, लाओ। हम कागज में शुरू हो गए और एंड पॉइंट पे कहते ऐसा है बेटा, मेरा काम और भी काफ़ी है, आज मेरे मैं मतलब इतना जल्दी मैं कह बैठा, कल को बताऊंगा। हमने कहा जी कोई बात नहीं, कल भी आ जाएगा। उसको पता था, वो भी रात भर लगे रहे, साइंस वाले थोड़े से सड़की भी होते, जो लग गया तो फिर लग ही गया। बच्चे कहते हैं ऐसा होते नहीं, हमारे एज ए गुरु हम नहीं कहते कि होते, पर क्योंकि वो एक तरफ लग जाते हैं। तो अगले दिन जब फिर हम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने दूर से देख लिया भी आ गया। कहते बेटा मैंने अजमेर बोर्ड में तेरा सवाल भेज दिया है, वो जाएगा डाक के द्वारा, फिर वो आएगा तब बताऊंगा भाई, मेरे हाथ खड़े हैं, मेरे को नहीं आता। हमने कहा जी ठीक है। अब 15-20 दिन गुजरे तो उन्होंने हमें बुला लिया कि आ जा। कहते मैं देखना चाहता आप आए हो। जी कहते कोई बात नहीं, आप प्रेयर में बात करते हैं। अब प्रेयर में बात करी और वहाँ टीचर थे सारे थे, तो कहता भाई ये लड़का क्या कमाल का है, इसने एक सवाल निकाला साइकिलिंग ऑर्डर का मैथ का, और वो ना टीचर से ना मेरे से किसी ने हुआ, मैंने वहां भेजा और वहां से ये लिख के आया कि ये छपने में गलती है, ये बुक में गलत छपा हुआ है। हमने कहा जी अगर यही ऐसा ही आ जाता तो हम क्या करते, क्योंकि इसका अगर हम जवाब कैसे देते। तो फिर उन्होंने बताया कि देखो ये बच्चा भी है जिसने बाल की खाल निकाल दी, जो हम लोग नहीं, क्या लिखने वाले बुक लिखने वालों के बाद उसको चेकिंग की जाती है, बड़े बड़े प्रोफेसर या करते हैं, कहते वो नहीं निकाल पे, ये इसने निकाल दी, गजब उसने हमें शाबाशी दी सबके सामने। सो कहने का मतलब, आदमी के अंदर अगर विल पावर है, आत्मिक शक्तियां हैं, तो ये चीजें होती है, क्योंकि हमने बचपन में 5 साल की उम्र में या 6 साल की उम्र में गुरु मंत्र ले लिया था, तो वो मेडिटेशन का कमाल है। तो बच्चों पढ़ाई में भी ये गजब करता है,
कहीं आप सोचो कि ये ऐसे फजूल की बात है। तो इस तरह से ये आज मेडिटेशन की बात आपको बताई, बाकी मर्जी आपकी, मानो ना मानो, हमारी तरफ से कोई शराफ नहीं, दुआएं हैं कि आप जरूर माने और जिंदगी में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं, बेटे भी और बेटियां भी, सबको आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।